हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को नॉमिनेशन पाउच के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं और साइज वाइज बताने वाला हूं कि कौन सा साइज़ का आपको नॉमिनेशन पेपर किस काम में यूज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसमें मैं आप लोग का आधार को नॉमिनेशन करने के लिए, ई श्रम कार्ड जो अभी बन रहा है उसके बारे में भी, नॉमिनेशन करने के लिए कौन सा पेपर यूज कीजिएगा, और आपको कभी आता है मार्कशीट जो बी एड का जो आता है, आपको एडमिट कार्ड उसका नॉमिनेशन सीट कौन सा होगा, और उसे कभी छोटा जैसे सीएसपी जो चलाते हैं उसको पासबुक में के रूप में जो देते हैं उसका भी कौन सा साइज में आप नॉमिनेशन कीजिएगा, कौन सा पेपर आपको नॉमिनेशन पेपर उसका लेना पड़ेगा। तो इसके जानकारी मैं पूरा इस वीडियो में आपको आज देने वाला हूँ कि और उसके बाद आप लोगों को मैं उसका पूरा डिटेल्स भी ये बताने वाला हूँ कि आपका जो नॉमिनेशन सीट है वो कितने सीटों का आता है और उसका जो माइक्रोन है कितने माइक्रोन का सबसे बेस्ट सीट होता है। तो देखिए, मैंने काफ़ी सारे ब्रांड का यहाँ पर नॉमिनेशन पाउच लिए हुए हूँ और देखिए मैं एक एक करके आपको इसको बताता हूँ कि क्या क्या मैं आप इसको किस डॉक्यूमेंट को नॉमिनेट करने के लिए इस सारे पाउच का यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक्सलेम का नॉमिनेशन पाउच के बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी जो पॉपुलर ब्रांड अभी है एक्सलेम, आप लोग देख सकते हैं एक्सलेम का ब्रांड है ये। इसका 100 सीटों का ही आता है नॉमिनेशन पाउच। ये आपको जो नॉमिनेशन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ता है वो इसका आप यूज कर सकते हो। जो आपको बी एड जो भी एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होता है उसका साइज में काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है। आप उसका नॉमिनेशन कर पैसे अर्निंग कर सकते हो, या आपका शॉप हो तो, या ना भी हो तो भी आप नॉमिनेशन मशीन अपने घर पर रखे हो तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो आराम से इसमें नॉमिनेशन कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी जो डॉक्यूमेंट इस साइज में आ जाती है, तो इस साइज का मैं इसको बता दे रहा हूँ कौन सा साइज का ये नॉमिनेशन है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इस साइज इसका लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसका साइज है 155 × 225 mm, जो इसका साइज है 155 × 225 mm साइज का है, 125 माइक्रोन का ये आता है। अच्छी क्वालिटी में इसका नॉमिनेशन होता है। तो आप अगर सोच रहे हो कि आपको जो एडमिट कार्ड जारी होता है बिहार बोर्ड में भी जारी होता है, तो उसका जो डमी एडमिट कार्ड होता है इसमें ये होता है, और जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका भी इसमें आप नॉमिनेशन अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। और उसके अलावा जो भी इस साइज में जो भी डॉक्यूमेंट आता है उसका भी आप नॉमिनेशन कर पैसे कर सकते हैं। चलिए इसका मैं दिखा दे रहा हूँ पेपर क्वालिटी किस प्रकार का होता है। तो देखिए, पेपर क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है, लाइट में है, और इसका जब आप नॉमिनेशन करते हो तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। थोड़ा सा लाइट में आपको डॉक्यूमेंट जब नॉमिनेट होता है तो होता है। तो अगला, और मैं इससे सेम अगला है, इसी साइज का है, ये है क्रिस्टल क्लियर का ये ब्रांड है, ये भी सेम आपको मिल जाएगा साइज 155 × 255 mm का ये भी है। माइक्रोन की बात की जाए तो 125 माइक्रोन का क्वांटिटी, ये भी 100 पीसों में आता है, और इसका भी आप रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, इसका भी यूज करके मैंने देखा है काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसमें आप बहुत सारा इंट्रोडक्शन भी आपको देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। फ़ोटो के लिए, स्मार्ट बिजनेस कार्ड के लिए, फ़ोटो विजिटर डॉक्यूमेंट के लिए, काफ़ी सारा इसमें आईडी कार्ड स्कूल और कॉलेज के लिए भी ये दिया गया है। तो इसमें आप जब नॉमिनेट करते हो तो इसका भी रिजल्ट एक्सलेम के तरह ही बेटर आता है। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा, जो मैंने दो अभी दिखाए उससे थोड़ा सा बड़ा साइज का ये है, इसमें भी आप नॉमिनेशन कर सकते हो। ये भी सेम उसी पर्पज़ के लिए, उसके लिए ये पाउच बनाया गया, ये भी 100 सीटों का है, और इसको मैं आपको ज़्यादा में दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसका प्रिंटिंग छोटा में किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 100 सीटों का है साइज इसका, 175 × 225 mm का है ये भी, और 125 माइक्रोन में भी आता है। तो इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, बरसाते इसे थोड़ा सा बड़ा साइज में आप लोग साइज देख सकते हो, इसे ये थोड़ा सा ये बड़ा साइज में यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दो पेपर आप नॉमिनेशन के लिए यूज कर सकते हो।
अब उसके बाद जो सारा नॉमिनेशन है उसके मैं उसके से जो छोटा आता है आप ये नॉमिनेशन पाउच यूज़ कर सकते हो। जो भी कोई आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी होता है उसको डबल में इसके नॉमिनेशन कर सकते हो। तो इस साइज़ में आता है। इसका साइज़ की बात की जाए तो इसका 102 गुने 152 mm का आता है। ये भी 150 माइक्रोन का आता है। ये भी 100 सीटों में ही आती है। अब जो सारा ये बचा ये नॉमिनेशन पाउच आपको आइडेंटिटी कार्ड और आधार और इस रैम कार्ड के लिए नॉमिनेट कर सकते हो। उसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट इस साइज़ में आता है उसको आप नॉमिनेशन कर सकते हो। ये सारा उसी साइज़ का है। जैसे कि ये साइज़ को मैं आप लोग को बता दूँ, ये साइज ये नोवा कंपनी का है, प्रिस्मा जीट नोवा कंपनी का। ये 100 पाउचों का आता है। इसका भी 125 माइक्रोन का ये भी सीट है। और इसके साइज़ की बात की जाए तो 85x110 mm साइज़ का ये आता है पाउच। तो इस पाउच में आप क्या कर सकते हो, आईडी कार्ड को नॉमिनेट कर सकते हो। और जो वोटर कार्ड जो पहले के ज़माने में जो जारी होता 2005 में उसका जो बड़ा साइज़ में आता था, आज के तो डेट में स्मार्ट कार्ड में आ गया, लेकिन उससे पहले जो जारी हुआ है वोटर कार्ड उसका नॉमिनेशन इसमें काफ़ी अच्छी तरह से हो सकता है। अगर उसमें जो आपको जो अपना जो पासबुक जारी कर आपको देते हैं वो कुछ इस साइज़ में देते हैं, तो उसका में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो नॉमिनेट कर। और कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे इसमें आता है तो उसका भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। अब इससे जो थोड़ा सा आता है ए साइज़ में, देखिए ए भी यूनिक जो अभी मैंने दिखाया ए भी एक्सएलएम का ही है यूनिक। आप इसका भी इस्तेमाल करते हो। भी 100 सीटों में है और सेम 85x110 mm का है। ये भी आता है पाउच, ये भी अच्छा क्वालिटी में है, आप नॉमिनेट कर सकते हो और सेम उसी के लिए आप यूज कर सकते हो। आप जो CSP चलाते हो जो अपना देते हैं पासबुक उसका इस नॉमिनेशन कर सकते हो, और जो वोटर आईडी पहले का था उसमें यूज कर सकते हैं। और कोई भी जो इस साइज में डॉक्यूमेंट आपका आता है उसमें आप इसका इस्तेमाल नॉमिनेशन करने के लिए कर सकते हैं। अब उसके बाद जो साइज आता है वो ए साइज आता है। ये भी नोवा कंपनी का प्रिस्मा जीट का है। ये भी 100 पाउच में आता है। इसकी साइज़ की बात की जाए तो ये साइज़ आपका 70x100 mm का आता है। उससे थोड़ा सा ये छोटा आता है। तो इसमें आप श्रम कार्ड जो भी जो प्रिंट करते हो उसका बहुत अच्छे क्वालिटी से इसमें नॉमिनेशन हो जाता है, अगर थोड़ा सा बड़ा साइज़ में आपका प्रिंट निकलती है तो। उसके बाद आप इसमें जो अभी कोविड का सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर छोटे आधार कार्ड में निकालते हो उस साइज़ में इसका भी अच्छे से नॉमिनेशन कर आप पैसे अर्निंग कर सकते हो। ये भी नॉमिनेशन पाउच से इसका सेम ही साइज़ का ए है। ए VMS का है। इसका थोड़ा सा हार्ड क्वालिटी में है। इसका माइक्रोन भी थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि 250 माइक्रोन का है। तो इसका थोड़ा सा क्वालिटी जब नॉमिनेशन करते हो तो आपका मोटा में आता है। ये भी 70x100 mm साइज का आता है। तो आप इसमें नॉमिनेशन कर भी पैसे अर्निंग कर सकते हो। ये सबसे बेटर क्वालिटी में आपका नॉमिनेट होगा VMS का। उसके बाद अब जो आता है वो सारा आधार कार्ड जो साइज का है वो इसमें है, श्रम कार्ड भी इसमें है, नॉमिनेशन करते हो। ये टोटली आपका आधार कार्ड के लिए परफेक्ट नॉमिनेशन है। तो चलिए मैं इसे सबसे कम आपको माइक्रोन बात कर बता दे रहा हूँ। 125 माइक्रोन का है, 65x95 mm का है। ये काफ़ी छोटा में है। इससे छोटा आपको नॉमिनेशन नहीं मार्केट में मिलेगा। ये सबसे लास्ट साइज है। आप इस साइज में आप आधार कार्ड नॉमिनेशन कर सकते हो आराम से। ये भी 100 पीसों का में आती है। एक थोड़ा सा सस्ता आता है, ब्रिलियंट का कंपनी का है। उसके बाद जो आता है नोवा कंपनी का है। ये भी प्रिस्मा जीट जो है नोवा कंपनी का। और इसकी साइज़ की बात की जाए तो ये भी साइज आपको 65x95 mm का आता है। सेम साइज़ में ये दोनों है आपका। ये भी 100 सीटों में आती है। और इसका भी आप आधार में अच्छी तरह से नॉमिनेशन कर सकते हो। इस रैम कार्ड इसमें आपका नॉमिनेशन अच्छे क्वालिटी में आपका हो जाएगा। अब उसके बाद जो आता है XLM का आता है। XLM का ये पाउच है। ये भी आपका सेम साइज में आता है। बरसाते इसका माइक्रोन आपका ज़्यादा रहेगा। इसका माइक्रोन 250 माइक्रोन का ये 100 सीटों का है। और साइज सेम वही है, 65x95 mm का है। तो ये दोनों का मिलाकर दोनों साइज सेम है। इसमें बरसाते इसका माइक्रोन आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसे ये इसका क्वालिटी बहुत अच्छी में जब नॉमिनेट करते हो तो अच्छी क्वालिटी में आपका इसका नॉमिनेशन आता है रिजल्ट। तो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ पेपर का, दोनों को कंपेयर कर कि पेपर क्वालिटी में क्या डिफरेंस होगा। ये इसका देख सकते हैं पेपर काफ़ी मोटा है
और जब मैं इसका नॉमिनेशन पाउच का आपको पेपर निकाल कर दिखाऊँ तो इसका नॉमिनेशन पाउच का पेपर थोड़ा सा आपको पतला रहेगा, देख सकते हैं। देखिए कितना काफ़ी पतला है इसका नॉमिनेशन पाउच, और इसके नॉमिनेशन पाउच की बात की जाए तो देखिए थोड़ा सा हार्ड है, और दोनों पेपर में डिफरेंस भी देख सकते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड में है और ये थोड़ा पतला, देखिए कितना जल्दी मुड़ जा रहा है, इसको मुड़ने पर थोड़ा टाइट लग रहा है। तो एक थोड़ा सस्ते दामों आती है और एक सिलेम थोड़ा सा महंगा दामों में आती है, और क्योंकि ये 200-250 GSM का है और 125 GSM का ये नोवा कंपनी का ये पाउच है, तो दोनों में डिफरेंस यही है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपका अगर अच्छे में नॉमिनेशन करना है, श्रम कार्ड और वोट जो निकलता है आधार कार्ड कोविड सर्टिफिकेट, उसको अच्छी क्वालिटी में साइज़ में आप नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो नोवा का भी ले सकते हैं। आपका थोड़ा सा पतला होगा, थोड़ा सा उतना हार्ड क्वालिटी में नॉमिनेशन नहीं हो पाएगा, बरसाते आपका जब एक्सलम के लेते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, और इसमें आपका नॉमिनेशन भी काफ़ी हार्ड क्वालिटी में होता है। और सेम रिलेटेड ये भी दोनों है, एक कलर पावर को आप लोग जानते हैं, भी ब्रांड काफ़ी अच्छा है, इसका भी सेम साइज है, ये भी 65x95, एक थोड़ा सा ग्लॉसली में आता है और ये भी 250 μm का ही है। तो इसमें भी आप नॉमिनेशन करते हो तो आपका भी रिजल्ट बेटर ही आता है। सेम यही साइज का ये भी पाउच है, और तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो पाउच आप मार्केट से परचेज कर दो। दाम की बात की जाए तो ये अभी थोड़ा सा इसका ट्रेडिंग चल रहा है ये मार्केट में, अभी 200-250 के बीच आपको ये पाउच मिलेगी, बरसाते ये पाउच जो सेम साइज का है आपको 125 से 100 रुपये के बीच आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। ये थोड़ा सा और कम मिल सकती है, बरसाते इसका भी दाम अभी ट्रेडिंग कर रही है तो भी मार्केट में आपको लोकल मार्केट में भी ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अभी श्रम कार्ड बहुत ज़्यादा बन रही है तो इसका डिमांड ज़्यादा है, तो अभी माल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसका प्राइस अभी हाई चल रहा है मार्केट में। तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो मार्केट से आप परचेज कर अच्छे से अपना नॉमिनेशन कर सकते हो। तो ये सारा जो है आधार और आधार कार्ड के लिए नॉमिनेशन पाउच है, और आपका ये जो कोविड का सर्टिफिकेट आधार साइज में निकालते हो उसके लिए आप नॉमिनेशन कर सकते हैं इसमें, और उसके अलावा जो भी आपको डॉक्यूमेंट इस साइज में आता है वो आप इसमें नॉमिनेशन करते हैं। उसके अलावा जो भी मैंने आप सारा चीज़ बताया वो नॉमिनेशन आप कर सकते हो लोकल मार्केट में, आप सारा जो मैंने दिखाया वो अवेलेबल होगा। इसका तो आप जानते ही हो, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड ये भी रहा है, नोवा कंपनी भी काफ़ी अच्छा अपना मार्केट में पकड़ बनाए हुए है, और एक्सलम की बात की जाए तो एक्सलम भी काफ़ी अपना अच्छा पकड़ बना चुका है। तो आपको जो पसंद जो साइज़ का नॉमिनेशन चाहिए वो अपना मार्केट से परचेज कर नॉमिनेस कर सकते हो। काफ़ी ये सारा नॉमिनेशन का मैंने करके देखा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, तो आप लोग इस ब्रांड का भी अपने मार्केट से ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही था दोस्तों, हम ऐसे रिलेटेड वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।